आसन विशाल दे गले गुंजमाल दे अधर सुलाल देख नैन रस लीजिए पीतांबर की छोर देख मुरली की ओर दे सावरे की ओर देख देखते ही रीजिए श्री राधे सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण के दिव्य चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। नारायण सेवा संस्थान के प्रणेता निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव साहब के दिव्य चरणारविंदों में सादर दंडवत प्रणाम। व्यास पीठासीन भागवत मर्मज्ञा परम श्रद्धेया विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता परम पूज्य जया किशोरी जी के दिव्य चरणारविंदों में हम सब सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा श्रवण के लिए सभागार में पधारे सभी धर्म प्रेमी सज्जन और माताओं बहनों के हृदय में विराजित राधा माधव की प्रतिमूर्ति को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं पधारे हुए सभी भक्तों का श्री सनातन धर्म संगठन कामरायन एवं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान गंगा का ये सप्ताह व्यापी आयोजन जिसके साथ हमें समाहित है सीता राम नाम का महायज्ञ, राम नाम धुनि, राम नाम जप अनुष्ठान और साथ में नारायण सेवा संस्थान से निश्रित सेवा गंगा, ये त्रिवेणी महासंगम सप्त दिवसीय महा आयोजन के रूप में आपकी इस पुण्यमयी धरा माँ जानकी की यादें लिए हुए विश्व का गौरव मिथिला के इस पुण्य भूमि ग्राम कमराइन में आयोजित किया जा रहा है। कथा के माध्यम से यह दिव्य प्रयास किया जा रहा है कि मानवता की रक्षा हो पाए, धर्म के कार्यों का प्रचार प्रसार हो, आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति हो और संस्थान के द्वार पर पीड़ित प्रतीक्षारत दिव्यांगों की सेवा आपके द्वारा हो और आपके सत्कर्मों में वृद्धि हो, ऐसा दिव्य प्रयास कथा के द्वारा किया जा रहा है। आज कथा का पंचम दिवस है और इस कथा में अब केवल दो दिन और शेष रहे हैं। आज पंचम दिवस है, छठा और सातवां। यूं कहिए कि हमें जितना समय मिला था उसमें से अधिकांश समय व्यतीत हो चुका है और अब कम समय हमारे पास है ज्ञान अर्जन के लिए, सेवा कार्यों के लिए। जितना समय हमें मिला था उसमें से अब थोड़ा समय हमारे पास रहा है। एक विशेष सूचना सनातन धर्म संगठन के सभी पदाधिकारियों की ओर से आपके लिए अनुरोध रूप में की गई है कि आप कोई भी बंधु बांधव इस कथा में मोबाइल के द्वारा फोटोग्राफी न करें, वीडियोग्राफी न करें। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी भी रूप में इस कथा का कोई भी फोटो न लें, कोई वीडियोग्राफी न करें और इसका पूरा ध्यान रखें। आइए कथा में आरती के साथ हम प्रवेश करेंगे। पहले श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी और उसके उपरांत हम विधिवत कथा में प्रवेश करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। आरती के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज की दैनिक यजमान आज की कथा में श्रीमान राजेश सिंह जी। कृपा करके सपरिवार मंच पर पधारें और श्रीमान वैद्यनाथ सिंह जी जो कि कथा के मुख्य यजमान हैं, आप भी मंच पर आरती के लिए पधारें। सनातन धर्म संगठन के कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी गण भी आरती के लिए आगे पधारें। बाकी सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े रह करके
आरती में भाग लेंगे संपूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु के श्री चरणों में अनुराग व्यक्त करते हुए। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती में प्रवेश करें। ओ कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर जंत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर जंत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बना को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। जेहो शांति रंतर जगम शांति पृथ्वी शांति राव शांति रोखदय शांति ही वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
हरि ओम जगेन जगमय जंत देवतानि धर्माणि प्रथमानि सन्ति हनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा सेवन्ति काबकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्ना गजात करवि रसाल पुष्पे बिल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी त्वाम्बोज यामि जगदी स्वर में प्रसिद नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दंतम गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। बोले किसने कहीं लाल की बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करें, कथा श्रवण करें, उससे पूर्व आज के दैनिक यजमान आदरणीय श्रीमान राजेश सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे संस्थान के पदाधिकारीगण आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो आदरणीय श्रीमान राजेश सिंह जी कृपा करके मंच पर पधारें और उनके साथ ही कथा के दूसरे दिन इस कथा के दैनिक यजमान बने थे श्रीमान राम उदित सिंह जी, आप भी कृपा करके मंच पर पधारें। दूसरे दिन हमारी ओर से आपका सम्मान नहीं हो पाया था, इसलिए कृपा करके आज आप पधारे हुए हैं, तो मंच पर आप पधारें। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए हमारे पदाधिकारी मंच पर आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा श्री सनातन धर्म संगठन ग्राम कमराइन के शुभ प्रयासों से हो रही है और इसमें श्रीमान उदय सिंह जी, श्रीमान नीरज कुमार जी, श्रीमान नीलमणि कुमार, श्रीमान राजेश कुमार, आदरणीय संजीव सिंह, बम शंकर सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सोनू कुमार जी, अशोक सिंह जी, राजू सिंह जी, पंकज सिंह जी और सरोज सिंह जी, ये सब कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इस मंडल के पदाधिकारी हैं। इन सब के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इन सब की वजह से ये व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से बनी हुई है। बड़े साधुवाद के पात्र हैं आप और मैं भी संस्थान परिवार की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, आपका साधुवाद अभिनंदन करता हूं। जिन भक्तों ने सेवा यज्ञ में शामिल होकर के सेवा गंगा में स्नान किया है उनको भी साथ ही साथ सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। कृपा करके अपना नाम सुन के सीधे मंच पर पधारें और थोड़ी शीघ्रता करें। श्रीमान उदय सिंह जी सनफ स्वर्गीय सीताराम सिंह जी कमराइन से हैं, दवाई सहयोग आपने प्रदान किया है, कृपा करके मंच पर पधारे, तालियों का सहयोग आप बनाए रखें। श्रीमान विपिन बिहारी सिंह जी आप भी कमराइन से ही हैं, दवाई सहयोग आपने भी आज कथा में पधार करके दिया है, तो कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ ऑफ सुरेश प्रसाद सिंह जी, सुरेश प्रसाद जी दल सिंह सराय से पधारे हुए हैं, आपने दवाई सहयोग दिया है, कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमती सरिता देवी वाइफ ऑफ श्रीमान हेमंत कुमार जी दल सिंह सराय से पधारे हैं, दवाई सहयोग के लिए आपने राशि दी है, कृपा करके मंच पर पधारें। आदरणीय नितेश फाइटर जय महाकाली ट्रेडर्स साख मोहन से आपने भी दवाई सहयोग प्रदान किया है, नितेश फाइटर जी कृपा करके मंच पर पधारें। एवं डॉक्टर मधुकांत दास जी आपकी ओर से भी दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है, डॉक्टर साहब कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमान सुरेश दास जी शिक्षक भूसवर से हैं, आपके द्वारा भी दवाई सहयोग दिया गया है, सुरेश दास जी कृपा करके मंच पर पधारें। और श्रीमान राजेश चौधरी ओरियांस से हैं, आपकी ओर से भी दवाई सहयोग दिया गया है। ये वे दानदाता हैं जिन्होंने सभागार में उपस्थित होकर के आज सेवा गंगा में स्नान किया है और अपने पुण्य कार्यों को बढ़ाया है। परमपिता परमेश्वर से ये कामना है कि आपके घर संसार व्यापार व्यवहार में
वृद्धि समृद्धि का वातावरण बना रहे, आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। आइए अब अधिक समय न व्यतीत करते हुए श्रीमद् भागवत कथा की ओर चलें। पूज्य जया किशोरी जी के पावन सानिध्य में चलते हुए अपने हृदय पुष्प को उनके दिव्य चरणारविंदों में अर्पित करते हुए हम ये निवेदन करें कि पंचम दिवस की शुभ पुण्यदायिनी कथा का आप अपनी ओजस्वी सुमधुर वाणी के द्वारा शुभारंभ करने की कृपा करें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जयघोष लगाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान वेदव्यास महाराज की। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बीराबर जी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपी मंगला नमच करता वंदेवाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी
शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदु हासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहिता मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युत अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम आई मीठी मीठी तालियों के साथ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम तालियां एक साथ बोलिए राधा माधव भगवान की अच्युतम
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 तुम मीरा के जैसे खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं
कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, मा यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, मा यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम मा यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, मा यशोदा दामोदरम कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले होमवर्क बताइए, कल कौन कौन सी कथाएं हुई? बामन अवतार और किसकी? वेद व्यास जी की कथा कब आई? और बताइए, राजा बलि की कथा, गजेंद्र की कथा, वेरी गुड, अब सही बोला, गजेंद्र की कथा और हाँ? नंद उत्सव, ओह वेरी गुड, कृष्ण जन्म,
और राम जन्म और हाँ समुद्र मंथन। एक बार यहाँ के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। समुद्र मंथन हाँ, और कुछ बच्चों को बैठा भी ले। आइए जो बच्चे घूम रहे हैं उनको बैठा लीजिए। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि नंद बाबा को जब पता चला कि उनके यहाँ लाला हुआ है तो उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव रखा लेकिन उत्सव तो हर कोई रखता है। आज हमारे आपके घर में भी कोई खुशखबरी आए तो हम भी उत्सव रखते हैं। अब कौन कितना बड़ा या कितना छोटा उत्सव रखता है वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर उत्सव तो हर कोई रखता है। तो इसमें हम में और नंद बाबा में फर्क कहाँ हुआ? लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने उत्सव तो रखा लेकिन साथ ही साथ बहुत दान किया। सबसे पहली चीज, नंद बाबा ने 200,000 गाय दान में दी। कितनी? 200,000 गाय। फिर वस्त्र दिए, धन दिया, अन्न दिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब दिया। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे ऐसे ही करते थे, उनके घर में कोई खुशखबरी आती तो वो विद्यालय बनवाते, अस्पताल बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, प्याऊ लगवाते, ताकि उनके घर की खुशखबरी किसी और के जीवन में खुशियां ले आए। पहले ऐसा ही होता था। तो यहां पर नंद बाबा ने भी यही किया। नंद बाबा ने अपने घर की खुशी सबके साथ बांटी और इस प्रकार बांटी कि मानो सबको लग रहा है जैसे उनके घर लाला हुआ है। अब यहां पर कंस की तरफ चलते हैं। वसुदेव जी कारागार के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचे तो बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। सेवक नींद से उठते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। सेवकों ने कंस से कहा, कि कन्या हुई है। कंस सोचे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। वो कन्या कहती है, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस डर जाते हैं, कई राक्षसों को बुलाते हैं, दैत्यों को बुलाते हैं। उनमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है। पूतना से कहा गया कि गोकुल जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। मुझे तो नहीं पता ना वो कब पैदा हुआ, तो 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। आइए निवेदन है, आगे जो बैठे हैं वो थोड़ी शांति बनाकर बैठे। क्योंकि मेरी पहली नजर आप पर ही जाती है। प्लीज जिनको बातें करना है वो पीछे जाके बैठ सकते हैं।
तो पूतना से कहा गया कि 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। पूतना जाती है एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, अपने स्तनों पर विष का लेपन कर बच्चे को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने उसकी हत्या कर दे। अब यहाँ पर भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि तुम पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो, उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सारे बच्चे मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो नंद बाबा के घर की ओर आने लगती है। यशोदा मैया यहाँ पर ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। अब पूतना खिड़की से देखे कि इस घर में बालक है कि नहीं है, है तो कहाँ है, पालना कहाँ है, रसोई घर पालने से कितना दूर है कि अगर बच्चा वो बच्चे को उठाए और बच्चा रोने लग जाए तो माता को आने में कितना समय लगेगा, वो सब कुछ खिड़की से देखे। अब यहाँ पर जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब घर में जब छोटा बच्चा होता है तो घर के काम तभी तक हो सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना तो दिन भर उसके आगे पीछे घूमते रहो। तो यशोदा मैया ने सोचा घर के अन्य कार्य कर लेते हैं, तो उनको पालने में सुलाकर वो घर के कामों में लग गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। वन की ओर जाकर अब वो भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसे तकलीफ हो रही है, अब वो जोर से चिल्लाए लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। भगवान कहते हैं ऐसे तो लाला किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ ले तो फिर उसे छोड़ता नहीं। अब भगवान पूतना का वध करते हैं। अब मृत्यु आती है तो उसका असल शरीर भी सामने आता है, जो एक राक्षसी का शरीर है। तो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयंकर तेज आवाज होती है। वो आवाज सुन के तो सब ब्रजवासी वन की ओर दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या गिर गया जो ऐसी आवाज आई है। और जितनी माताएं हैं वो सब अपना अपना पालना देख रही है, क्योंकि देखिए जब तक संतान नहीं होती तब तक सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। संतान होने के बाद सबसे पहली चिंता संतान की होती है। तो जैसे ही वो आवाज आई तो सारी माताएं सबसे पहले अपना अपना पालना देख रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। अब वो भी डर के मारे बेसुध होकर दौड़ती है वन की ओर। वन में जाते हैं तो कई लोग खड़े हैं, जाकर देखा कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, उस पर छोटे से बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हुए हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी माता अगर ये दृश्य देखे कि एक राक्षसी पर उनका बच्चा बैठा है सबसे पहले क्या करेगी? हाँ? वाह, वेरी गुड, बच्चे को उठा लेगी। माँ क्या करेगी? सबसे पहले बच्चे को तुरंत उठाएगी। लेकिन यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी नजर उस राक्षसी पर गई ही नहीं। उनकी पहली नजर भगवान पर गई, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा। वो खड़े होकर दूर से निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। भगवान के चेहरे पर अलग तेज है, वो भगवान है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। लेकिन है अटपटी बात, क्योंकि ब्रजवासी भी है, उनको ऐसा लगे यशोदा मैया बच्चे को देख ही नहीं रही ढंग से, या उसको गोद में उठा ही नहीं रही, उनको तो डर लग ही नहीं रहा।
तो भगवान को लगा ये स्थिति अटपटी हो सकती है, लोगों का ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे पड़ सकता है कि ये बच्चा सही में इंसान है या कोई शक्ति है। तो इस कारण भगवान जोर जोर से रोने लग गए, मानो बहुत डर रहे हैं। अब रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं, तब तो यशोदा मैया ने तुरंत भगवान को उठा लिया। नंद बाबा भी आते हैं, वहां सब ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान मन में कहे भगवान ने ही बचाया है और आगे भी शायद भगवान ही बचाएंगे। लेकिन इस घटना से यशोदा मैया इतना डर गई कि यशोदा मैया ने ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ठाकुर जी बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे पैदा होने के बाद, तो कभी बरसाने से, कभी वृंदावन से, कभी कहीं से, कभी मथुरा से लोग आके दर्शन करते थे कि नंद बाबा के लाला हुआ है कैसा दिखता है, तो सब आते थे। अब यशोदा मैया को लग रहा है कि उसको नजर लग गई है किसी की, इस वजह से इतना बड़ा संकट आया, तो आज से लाला के दर्शन नहीं हो सकते। और यहाँ यशोदा मैया का ये ऐलान करना हुआ और महादेव जी का पृथ्वी पर आना। महादेव जी कहे जाकर दर्शन तो करे, भगवान ने इतना सुंदर रूप लिया है, उनको भी गोद में उठाए, थोड़ा खिलाए। तो भोले बाबा रूप बदल के साधु का रूप बनाकर जाते हैं। अब साधु का तो क्या रूप बनाया उन्होंने, सिर्फ कपड़े ही बदले हैं, बाकी नाग अभी भी है, बिच्छू अभी भी चल रहे हैं। उसी रूप में आते हैं, यशोदा मैया के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। मैया ने कहा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना है आपके घर लाला हुआ है, मुझे उसके दर्शन करने हैं। यशोदा मैया क्या जवाब देती है उनको? नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, कि नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी। अच्छा हल्की मारवाड़ी है इसमें, मैं समझाती जाऊंगी। कोनी माने नहीं, दिखाऊं कोनी माने नहीं दिखाऊंगी मैं, और लाडलो माने लाडला प्यार का एकदम, जो बहुत प्यारा होता है। यशोदा मैया कहती है कि नजर लग जाएगी, उस पर तो अभी संकट आया था, मैं अपने लाडले के दर्शन नहीं कराऊंगी। आइए नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, नजर लग जाए रे नजर लग जाए।
यशोदा मैया कहती है कि यहाँ आने से पहले खुद को देख लेना था एक बार, ये रूप देखकर बड़े से बड़ा डर जाए, मेरा तो छोटा सा बालक है। यशोदा मैया कहती है क्या विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, कहती है कि आपको हीरा मोती जेवर जो चाहिए ले जाओ, पर दर्शन नहीं होंगे, मेरा बच्चा डर जाएगा आपसे। ये सुनकर भोले बाबा मन ही मन क्या कहते हैं, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी
यशोदा मैया एकदम मना कर देती है कि किसी भी हाल में दर्शन नहीं हो सकते। भोले बाबा बड़े उदास हो जाते हैं, जाने लगते हैं। हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, जोर से रोने लग जाते, हिचकियां बन जाती है भगवान। यशोदा मैया कहती है बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। यशोदा मैया कहती है क्या, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, 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 नजर लगाती मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा, लाल को हाय हाय अब क्या होगा, दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए, नजर लग नजर लगा दी। भोले बाबा कहते बिना देखे कोई नजर लगती है क्या, लेकिन मैंने ना बहुत विद्या प्राप्त की है, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं। अच्छा,
और बोले आपके बेटे के रोने की आवाज से मुझे लग रहा है उसको किसी की बहुत कड़ी नजर लगी। उनको तो दर्शन करने हैं, कोई भी बहाना बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं नजर उतार सकता हूँ। अब यशोदा मैया को लग रहा है कि क्या पता सच में बड़े सिद्ध हो। तब यशोदा मैया ठाकुर जी को कमरे से बाहर लेकर आती है, महादेव जी के गोद में देती है। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, दर्शन किए हरि के शिव ने राजू खुशी मनाई, दिखाऊं को नीलाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं को नीलाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए, दिखाऊं को नीलाडलो नजर लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहां पर इस प्रकार भोले बाबा भगवान के दर्शन करते हैं। अब यहां पर छोटे से भगवान सो रहे थे। एक दिन सोते सोते भगवान ने अपने आप करवट बदल ली, करवट बदल ली तो नंद बाबा की नजर पड़ती है। इस उम्र में बच्चे करवट खुद नहीं बदल पाते, इतने छोटे हैं भगवान अभी। नंद बाबा ने देखा कि इतने छोटे से बालक ने अपने आप करवट बदल ली, उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उन्होंने एक उत्सव रखा। इतना प्रेम है भगवान से कि उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा कि आज लाला ने अपने आप करवट बदल ली। पंडितों को बुलाया जाता है। अब यहां पर जब उत्सव हो रहा था, बीच उत्सव में भगवान सो गए तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसको कहीं अच्छी जगह सुला देती हूँ, क्योंकि पालने में सुलाने का मतलब तो हर थोड़ी देर में कोई आए इसको पालने से उठा ले, नींद खराब हो जाएगी। तो सकट होता है, इसके ऊपर दूध दही माखन इत्यादि रखा जाता है, उसके नीचे यशोदा मैया ने छिपा कर सुलाया। थोड़ी देर बाद भगवान की आंख खुलती है तो उनके आसपास कोई नहीं है। भगवान मन में सोचे कि उत्सव मेरे लिए मना रहे हैं और मुझे ही अकेला छोड़ दिया। हम ऐसा ही तो करते हैं ना, उत्सव के समय भगवान को अकेला छोड़ देते हैं, दुखों में बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। उतने में ही सकटासुर नामक एक दैत्य वहां आता है, पूतना का भाई। अभी कंस भेज रहे हैं, किसी ना किसी को भेजते जा रहे हैं, तो वो सकटासुर भगवान को देखता है। वो देख के सोचे ये इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा, मैं तो इस पर अपना पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। अब सकटासुर सोच रहा था कि मैं पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में तो भगवान ने उस सकट पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया और वो पूरा का पूरा सकट सकटासुर पे जाकर गिर जाता है, उसका वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर वो आवाज होती है, फिर ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, फिर सब देख रहे हैं कि एक दैत्य पड़ा हुआ है और पास में भगवान लेटे हुए हैं। ब्रजवासी कहे अरे बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लिया। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे, तुम उत्सव मनाओ।
तो यहाँ पर क्योंकि एक बार दो बार दैत्यों ने ठाकुर जी पर हमला कर दिया, नंद बाबा थोड़ा डर जाते हैं तो कई पंडितों को बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। अब जाने से पहले उनको दक्षिणा देते हैं, भोजन करवाते हैं, भोजन में उन्होंने खीर बनवाई, बड़ा प्रसन्न करते हैं। जितने पंडित हैं वो अच्छे से आशीर्वाद देकर जाते हैं। यहाँ कितने हैं जो ब्रज गए हैं, ब्रज माने गोकुल, मथुरा, वृंदावन, कहीं भी कौन कौन गया है? तो वहां पर जो गए हैं उनको पता होगा कि आप वहां जाते हैं जो पंडे होते हैं वो कैसे पीछे पड़ते हैं, दे दे बाबा दे दे, सुंदर सुंदर छोरा होगा, खूब अच्छी लुगाई आएगी, दे दे बाबा दे दे। तो जब भी ब्रज जाओ ना, एक बात हमेशा याद रखना, जरूर देना, जरूर देना, लेकिन थोड़ा रुक कर, थोड़ा आनंद लेना उस भाषा का। क्योंकि पहले तो वो पीछे पीछे आएंगे, दे दे बाबा दे दे, ये होगा वो होगा, धन की वर्षा होगी, महल बनेगा, ऐसा होगा, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और जब आप नहीं देते ना तो उनको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, तो वो कहते हैं हम सब जाने, ये जो साथ में आए हो ना ये सब सिखा पढ़ा के लाए हुए, कि पंडन ने मत दीजो। वो जैसे ही क्रोध में आए उसके बाद दे देना, क्योंकि जैसे ही आप देंगे ना तो वो तुरंत कैसे पलटेंगे, वो कहेंगे अरे बाबा बुरो मत मान जो, हम तो ऊपर ऊपर से बोले, दिल के तो साफ है। तो मुझे तो ब्रज भाषा ठीक से आती भी नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा आनंद आया है, तो सोचिए जब वो असल वहां की जो भाषा है ब्रज भाषा में आपसे बात करते हैं कितना मीठा लगता है। तो जब भी ब्रज जाए जरूर कुछ ना कुछ दे, लेकिन थोड़ा रुक कर पूरा आनंद लीजिए उस भाषा का। तो यहाँ पर नंद बाबा ने उनको बड़ा प्रसन्न किया, वो बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, भगवान का नाम रखा जाता है, पंडित को बुलाया जाता है। तो भगवान का नाम, बलराम जी और ठाकुर जी का दोनों का नाम एक साथ ही रखा जाएगा। बलराम जी के लिए वो कहते हैं ये बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, बल बहुत होगा, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान को देखकर कहते हैं ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा। राधे। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहते हैं कि ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये काम टेढ़े करेगा। तो इसीलिए इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं तो जीभ घूमती है, बोलिए कृष्ण घूमी जीभ। सही तरीके से आप ये नाम का उच्चारण करते हैं तो जीभ घूमती है यानी टेढ़ी होती है।
तो इसीलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहां पर धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, अपनी लीलाएं शुरू कर रहे हैं। आज भगवान की सब बाल लीलाएं हैं, आज भजनों का आनंद आप ज्यादा लेंगे। तो यहां पर एक बार भगवान यशोदा मैया के साथ अपने घर के बरामदे में बैठे हैं, रात्रि के समय पहली लीला भगवान की शुरू हो रही है। तो रात्रि का समय है, आज चंद्रमा धन्य हो गए, उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अचानक भगवान की नजर चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसे भी बच्चों का और चंद्रमा का एक अलग ही रिश्ता है। हम भी बच्चों को जब चंद्रमा से मिलाते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं कहते, लेकिन चंद्रमा के लिए क्या कहते हैं कि ये कौन है? हाँ, चंदा मामा। तो एक अलग रिश्ता है चंद्रमा और बच्चों का। तो भगवान को बड़ा आकर्षण हो रहा है चंद्रमा से, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैया वो क्या है? मैया ने कहा वो चंद्रमा है, सुंदर है ना? भगवान कहते बहुत सुंदर है, मुझे वो चाहिए। यशोदा मैया कहती है कुछ भी चाहिए? अरे वो बहुत दूर रहता है, उसको कोई नहीं ला सकता। अब बच्चों की जिद ना मानो तो बच्चे क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं। तो भगवान ने भी आज जिद पकड़ ली कि उनको वो चंद्र खिलौना चाहिए। भगवान कहते हैं क्या? हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मुहे चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा ला दे, हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा ला दे, 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 चंदा पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा ला दे, हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। नीला रे लग गए हैं। यहां पर रो कम रहे हैं, आंखें ज्यादा मसल रही हैं, तो उस वजह से आंखें लाल हो गई। और यशोदा मैया यहां, जिनको कन्हैया की आंख में एक आंसू ना अच्छा लगे,
वो देख रही है कि भगवान का चेहरा एकदम लाल हो गया है रोते रोते। यशोदा मैया कहती है क्या मात यशोदा बोली लाला ना रो मेरे होते पकड़े तो मानने को तैयार नहीं। यशोदा मैया समझाने की कोशिश कर रही है। यशोदा मैया कहती है क्या चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं पकड़े हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे बड़ी सी थाली लेकर आती है उसमें पानी डालकर चंदा की परछाई दिखा रही है। भगवान से कह रही है कि वहां से तो नहीं ला सकते पर यहां दिखा सकती हूं और तू उसे छू भी सकता है। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई परछाई
हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा ला दे हो जाते हैं। बच्चे जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं बताइए? बच्चे जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? और ताली बजाते हैं। बच्चे जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो ताली बजाते हैं। तो यहां पर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। हठ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। भगवान छोटी सी लीला करते हैं। अब चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे प्रसिद्ध हुई। भगवान की सबसे प्रसिद्ध लीला कौन सी है? हाँ, माखन चोरी। भगवान की सबसे प्रसिद्ध लीला कौन सी हुई? माखन चोरी। कहते हैं प्रथम करी हरी माखन चोरी,
ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी प्रथम करी हरी माखन चोरी। अब भगवान यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला बड़ी ही अच्छी लीला है, रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इस लीला का आनंद यशोदा मैया कभी नहीं ले पाएगी। तो ऐसा क्या करूं कि इस लीला के दर्शन सबसे पहले यशोदा मैया ही करे। भगवान सोचते हैं सोचते हैं, फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे ही करते। देखिए ऐसे यहां जो भी बच्चे बैठे हैं सबके लिए, चोरी कभी नहीं करना, चोरी करना बहुत गंदी बात होती है, भगवान जी सजा देते हैं, पाप देते हैं, इसलिए चोरी कभी नहीं करना। लेकिन चोरी करना आसान नहीं है। एक अच्छा चोर मतलब कोई बहुत समझदार होता है वही होता है, ठीक है। अच्छा चोर माने जब पकड़ा ना जाए, पकड़ा गया फिर क्या चोर। तो भगवान कहे कि अगर मैं चोरी करने जाऊं और मैं पकड़ा जाऊं तो लोग तो यही कहेंगे ना कि चोरी जब करनी आती ही नहीं तो करी क्यों। तो भगवान कहते हैं घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। तो भगवान पहले अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। तो भगवान माखन का एक कमरा होता था उस वक्त, क्योंकि माखन का काम होता था, तो माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी अपने पास खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, यानी माखन का गोला नवनीत निकालते हैं। भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ है, यानी दर्पण, जिसमें हम खुद को देखते हैं। अच्छा एक बात, भगवान ने आज तक दर्पण कभी देखा ही नहीं, उनको नहीं पता कि कांच क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। और जिसने दर्पण नहीं देखा उसने शायद खुद को ही नहीं देखा। आजकल फोन इत्यादि हो गए, पहले थोड़ी थे कि फोटो खींच ले और पता चल जाए। तो जिसने दर्पण नहीं देखा उसने खुद को ही नहीं देखा। तो यहां पर भगवान ने दर्पण कभी नहीं देखा। तो जैसे ही वो दर्पण सामने देखकर भगवान ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर दिया। भगवान कहते अच्छा ये माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रही है। मैया से कह गो कि मैया कन्हैया चोरी करे। भगवान कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगो तो ये भी खवाऊंगो। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते हैं कि ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। अब भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। यशोदा मैया पीछे से सब देख रही है कैसे कन्हैया कांच के सामने खड़े होके खुद से बातें कर रहे हैं। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर गए एकदम चुप। यशोदा मैया कमरे में आती है, अरे कन्हैया यहां क्या कर रहा है। भगवान कहते मैया मोहे माखन को लोभ नाए, पर मैंने सोचा मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर चुरा कर ले जाए, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। मैया कहती अच्छा फिर क्या हुआ। अब देखिए भगवान डर रहे हैं, उनके मन में चोर है ना, उनको लग रहा है क्या पता ये विश्वास करने लायक लड़का है कि नहीं है,
कहीं ये मैया को बता ना दे कि मैंने क्या किया। तो भगवान ने सोचा ये कुछ बताए उससे पहले मैं ही बोलता हूँ। तो भगवान कहते मैया मैंने आखिर देखा एक कालो करूटो छोरो माखन चुरा रो है। जैसा मैंने कहा भगवान ने खुद को तो देखा नहीं था। मैया कहती अच्छा तो तूने उसे रोका नहीं। भगवान कहते मैया मैंने रोका, मैंने उससे बोला तू क्यों चोरी करे, तू मैया से माखन मांग ले। मैया कहती तो उसने क्या कहा। भगवान कहते मैया मैंने उसे इतना समझाया लेकिन मैं नंदराय को छोरो यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा बताना वो छोरा कहाँ है। भगवान यशोदा मैया के हाथ पकड़ कर लाते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे यो रो कालो कर उठो छोरो। यशोदा मैया कहती कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। भगवान कहते अरे मैं कैसे। यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है। अब भगवान ने खुद को नहीं देखा था, यशोदा मैया को तो देखते ही है रोज। यशोदा मैया ने कहा देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर वहां चेहरा तो एक ही। तब यशोदा मैया उनको समझाती है कि ये दर्पण है, इसमें हम खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन इस समझाने के चक्कर में उनकी चोरी अनदेखी हो गई कि वो इस कमरे में क्या करने आए थे। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज में जाकर अपने जो पड़ोस वाले हैं सबको बता रही है कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी लीला करी है। पर कन्हैया की नजर में तो वो विफल हो गए, ना माखन का भोग लगा पाए। यशोदा मैया भी आ गई, उन्होंने सोचा अगली बार कोशिश करेंगे। अब एक छोटी सी कथा आती है कि एक दिन गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर आते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा बाहर गए हुए थे, यशोदा मैया ने कहा घर आइए भोजन करिए। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे। ठीक है आप सामग्री बता दीजिए मैं मंगवा देती हूं। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। किसकी किसकी सामग्री? खीर की। वो खीर बनाते हैं रसोई घर में जाकर, एक पात्र में डालते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे, मंदिर में जाते हैं विष्णु भगवान का ध्यान कर। गर्ग ऋषि कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो। अब यहां पर भगवान बगल के कमरे में सो रहे थे। भगवान उठते हैं, भगवान कहते हैं लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं। भगवान जाते हैं, गर्ग ऋषि के नेत्र बंद हैं, तो भगवान खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते अरे ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। लेकिन बीच में ही ऋषि नेत्र खोल देते हैं, जोर से चिल्लाते हैं अरे यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, बच्चा है नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ, आप नाराज मत हो। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते हैं, इनको भी चैन नहीं है। फिर भोग लगा रहे हैं, फिर वो नेत्र खोलते हैं, फिर चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने जो खंभा था उनके घर में, भगवान का एक पैर उस खंभे के साथ रस्सी से बांध दिया कि अब कैसे चल के जाएगा। वो फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब देखिए भगवान चलना शुरू करते हैं, रस्सी तोड़ नहीं सकते भगवान, क्योंकि फिर यशोदा मैया को लगेगा कि इतने से बालक के अंदर इतना बल कि रस्सी टूट गई। तो भगवान चलना शुरू करते हैं, वो रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है। चलते चलते भगवान मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंच के फिर से खीर का भोग लगाने लग रहे हैं।
देखिए एक बार ही खीर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, समय लगता है, उन्होंने चार बार तो बना ली, किसको गुस्सा ना आए। अब गर्ग ऋषि बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत यशोदा मैया को डांटते हैं। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं, यशोदा मैया भगवान पर चिल्लाती है। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया एक बार कह दिया नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते, मैया तू मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अब गर्ग ऋषि सोचे, मैंने कब बुलाया। गर्ग ऋषि कहे, मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। अरे कन्हैया कहते, मैं ही तो हूं भगवान। गर्ग ऋषि कहते हैं कि नहीं, यशोदा मैया कहती है कि तू कब से भगवान है गयो, भगवान के चार चार हाथ होवे। भगवान कहते हैं, मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब देखिए यशोदा मैया समझ नहीं पा रही, लेकिन गर्ग ऋषि कहते हैं कि बड़े बड़ों को ठीक से नहीं पता कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है, और ये इतना सा बालक जानता है। उनको बात अटपटी लगती है, वो अपने नेत्र बंद करते हैं कि ये कौन है। जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो रूप देखने के बाद तो गर्ग ऋषि ने ना इधर देखा ना उधर, उस पात्र में जो जूठी खीर बची थी उसको दोनों हाथों से खाने लगते। और क्योंकि ज्ञानी है तो वो जानते हैं कि भगवान किसी और को बताना नहीं चाहते, तो उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया, कोई भी बात नहीं की कि तुम भगवान हो, पैर नहीं छुए, कुछ नहीं, लेकिन वो जूठी खीर उन्होंने पूरी खा ली और नाचते हुए घर से बाहर चले जाते हैं कि मानो उनके वर्षों की पूजा की तपस्या का फल मिल गया है उनको। यशोदा मैया कहती है, अब इनको क्या हो गया। लेकिन इस प्रकार भगवान गर्ग ऋषि को दर्शन देते हैं। आइए कुछ सूचना, उसके बाद आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे। अभी बड़ी ही सुंदर दिव्य कथा कन्हैया की बाल लीलाओं का आप वर्णन सुन रहे थे, और हम सबके जीवन में कन्हैया बाल लीलाएं करने के लिए आते हैं, हमें आनंद देते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भगवान बाल कृष्ण का ही स्वरूप होते हैं। जब वो घर में शैतानियां करते हैं, चिल्लाते हैं, हट करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, और कन्हैया की बाल लीलाओं का साक्षात देखने का हमें अवसर प्राप्त होता है। लेकिन हमारे समाज में इसका दूसरा पहलू भी है। बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर ये बाल लीलाएं नहीं हो पा रही हैं, जन्मजात दिव्यांगता के कारण। कुछ छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार अभिशप्त होकर के जन्म लेते हैं कि उनका या तो हाथ काम नहीं कर रहा या पांव काम नहीं कर रहा। बड़ा दुख होता है उनके माता पिता को जब उनकी बाल लीलाएं वो देख नहीं पाते, और उससे बड़ा दुख तब होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि अपने बच्चे का इलाज करवाने में वो सक्षम नहीं है, उस पर होने वाले खर्च को उठाने में उनकी ताकत नहीं है। नारायण सेवा संस्थान के द्वार पर हजारों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन आते हैं। आप सब लोग उनके लिए संस्थान की मदद करें ताकि उन घरों में भी बाल लीलाएं हो पाए जहां पर छोटे छोटे बाल गोपाल जन्मजात दिव्यांगता के अभिशाप को लेकर कष्ट पा रहे हैं। और देखिए भागवत का भी सार यही है। 18 पुराण की रचना करने के बाद भगवान वेदव्यास जी ने भी यही कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी को यदि हम प्रसन्न कर दें, किसी की मदद कर दें, किसी को खुश कर दें, किसी का हित कर दें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है,
और भूल से भी यदि किसी का अपकार हो जाए, तिरस्कार हो जाए या किसी का अहित हो जाए तो ये महापाप होता है। इसलिए आप भागवत की शिक्षा को ग्रहण करते हुए संस्थान का सहयोग करें। जिन महानुभावों ने सहयोग दिया है उनके नामों की घोषणा मैं करने जा रहा हूं। साथ ही उससे पूर्व मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मंच पर आदरणीय श्रीमान सुनील जी, जो कि शाहपुर पटोरी से पधारे हैं। आप श्री ने 2017 में परम पूज्य जयाकिशोरी जी के सानिध्य में कथा का श्रवण किया, इनके द्वारा कथा करवाई 2017 में अपने शाहपुर पटोरी में ही, और आज कथा में आप पधारे हुए हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, कृपा करके आप मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें इनका। जिन महानुभाव ने सहयोग दिया है उनके नाम श्रीमान परिमल कुमार पंकज दलसिंह सराय आदर्श नगर से हैं, और आपने दवा के लिए सहयोग राशि सेवा यज्ञ में अर्पित की है। कृपा करके मंच पर पधारें। मैं जिन महानुभावों के नाम यहां से उद्घोष करना हूं वे अपना नाम सुनने के उपरांत शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारें। श्रीमती अर्चना झा, आपकी ओर से भी दवाई सहयोग दिया गया है। अर्चना जी कृपा करके मंच पर पधारें। और एक छोटी सी बच्ची है सुश्री प्रीति प्रियदर्शिनी, इस बच्ची ने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचा बचा करके और दवाई का सहयोग यहाँ पर दिया है। देखिए कितनी अच्छी बात है इस छोटी सी बच्ची ने। इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमें। जिस बच्ची को खेलने खाने के दिन है और उसको हम टॉफी चॉकलेट के लिए जो खर्चा देते हैं 2 रुपए 5 रुपए, उस पैसे में से एक एक पैसा जमा करके इस बच्ची ने 500 रुपए का सहयोग दिया है। ये 500 रुपए नहीं है, ये 5 लाख रुपए के बराबर है जो उस बच्ची ने दिया है, उसकी भावना है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। प्रीति प्रियदर्शनी कृपा करके मंच पर पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन है। झरोखा देवी ट्रस्ट नरवर, जिसके संचालक हैं आदरणीय वरुण कुमार जी, कृपा करके मंच पर पधारें। आपके द्वारा 3 दिव्यांगों को सहारा दिया गया है, 3 बच्चों के ऑपरेशन की राशि आपने दी है, और साथ में वर्तमान में हरिद्वार महाकुंभ में जो संत रसोई चल रही है उसमें 1 दिन का भोजन आपने अपने पूर्वजों के नाम से इस ट्रस्ट के माध्यम से दान किया है। आदरणीय वरुण कुमार जी कृपा करके मंच पर पधारें। ये थे वे दानदाता जिन्होंने कथा श्रवण करते हुए सहयोग दिया है, नारायण सेवा संस्थान की सेवा गंगा में स्नान करके पुण्य प्राप्त किया है। आप भी इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। काउंटर पर जावें और अनेकों अनेक सेवा के प्रसंग हैं, उन प्रसंगों की जानकारी प्राप्त करते हुए आप दान राशि दे सकते हैं। आइए अब अधिक समय न व्यतीत करते हुए पुनः चलते हैं कथा की ओर, कन्हैया के बाल लीलाओं की ओर, और पूज्य जया किशोरी जी के पावन सानिध्य में ये अनुरोध करें कि कथा प्रवाह जारी करने की कृपा करें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जयघोष लगाइएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल बाल कृष्ण लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब चलते हैं उस लीला की ओर, भगवान यशोदा मैया के साथ ग्वाल बाल है सबके साथ अपने घर के आंगन में बैठे हैं। सामने मोर मोरनियां सब नृत्य कर रही है, भगवान भी नृत्य करने लगते। यशोदा मैया कहती, अरे कन्हैया तूने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान कहते, मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। अब यहाँ भगवान नृत्य करते करते बैठ जाते हैं, मोर देख रहे हैं, मोरनी देख रहे हैं। मोरनी को देखकर भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया ये कौन है? यशोदा मैया कहती है, मोरनी मोर की बहू हत है। बहू यानी बहू नहीं, मोरनी मोर की बहू हत है माने पत्नी, पत्नी। अच्छा, भगवान कहते हैं ठीक है। फिर भगवान थोड़ा सोचते हैं, भगवान कहते तो मैया मेरी बहू कहाँ है? अब यशोदा मैया क्या कहे, कितना समझाए बच्चा है, फिर 10 प्रश्न और करेगा। यशोदा मैया ने टालने को कह दिया, अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? राधा।
राधा तेरी बहू हते। भगवान कहते मैया मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं। तब यशोदा मैया ने कहा उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब भगवान कहते तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे यशोदा मैया कहती कन्हैया तू अभी बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। अब भगवान ने तो जिद पकड़ ली, मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। भगवान कहते हैं क्या राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका बिरज की मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। बोलिए राधे रानी सरकार की। यहाँ पर बच्चों की जब बात ना माने तो पहले वो आपसे गुस्सा होते हैं, बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, एक तरीके से धमकी। धमकी का तो कोई असर नहीं हुआ तो भगवान सोचते प्रेम से ही समझाते हैं, भविष्य के दर्शन कराते हैं कि अगर मेरी शादी नहीं हो रहा,
भगवान और भविष्य में जाते हैं। राधा आ गई घर पर, घर पर घूम रही है, कैसी लगेगी भगवान? कितनों को लगता है कि विवाह हो जाना चाहिए, एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ। तो फिर आप भी थोड़ा यशोदा मैया को मनाइए, उठाकर पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। अब यहाँ पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान ने सोचा एक और बार कोशिश करते हैं माखन चोरी की लीला की। तो दोपहर के समय भगवान कमरे में जाते हैं माखन के, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है। यहाँ पर भगवान ने आज माखन का भोग लगा लिया, एक बार भोग लगा लिया, उसके बाद पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। भगवान एकदम चुप, चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते ना। यशोदा मैया देख रही है कि कन्हैया को आवाज आ रही है, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा। यशोदा मैया बाहर आती है, यशोदा मैया कहती है, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते हैं, मैया मैं एक समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं, थोड़ी शांति बनाए रखें, निवेदन है। यशोदा मैया कहती है कि तुझे कौन सी समस्या हो गई, समस्या तो बड़े बुढ़न को होवे। भगवान कहते मैया तूने ये जो सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना हाथों में, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये जलन देने लगता है, जलन देने लग रहा था। तो मैं एक वैद्य के पास गया तो उस वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी होवे। तो मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया, वो हाथ धरते ही जलन एकदम बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था, और बच्चे खाए तो इधर उधर लग जाता है। तो यशोदा मैया कहती जलन यहां हो रही थी ना? बोले हाँ। बोले माखन यहां कैसे लगा? अब भगवान फिर सोच में पड़ गए, पर भगवान हार मानने वालों में से नहीं है। भगवान कहते अरे मैया शरीर तो एक ही है, अब वो जलन एक जगह से अगर बुझेगी तो कहीं तो जाएगी, तो यहां की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने माखन मुख पर लगा लिया। अब भगवान सोचे क्या पता खाते हुए भी देख लिया हो, तो भगवान पहले ही कह देते। भगवान कहते पर मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो, लेकिन सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं।
यशोदा मैया फिर हंस रही है। उनको सब सच पता है, पर उनको ऐसा लगता है कि कितना चतुर है ये, कैसी कहानियां बनाता है। यशोदा मैया फिर भगवान को गोद में लेकर फिर सब ब्रजवासियों के पास जा रही है। आज कन्हैया ने ऐसा किया, ये कहा, वो कहा। उनके लिए भगवान की हर लीला मानो एक उत्सव की तरह है, वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से। ये सच में माना गया है कि नंद बाबा और यशोदा मैया जैसे बाबा और माँ युगों युगों तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। मतलब जितना प्रेम उन्होंने भगवान से किया, उतना प्रेम शायद ही किसी ने किसी से किया है। तो यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न है। अब यहां पर एक दिन भगवान यशोदा मैया से कहते कि मैया मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। वहां पर उस समय यही काम था, गैया चराना या दूध दही माखन बेचना, गौशाला इत्यादि और काम इत्यादि नंद बाबा देख लेते थे। तो गैया चराने भगवान कहते मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं जाऊंगा। मैया कहती है ठीक है, लेकिन पैरों में जूतियां पहन लेना। भगवान कहते हैं अगर मैं पैरों में जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं उन सब के लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया, पशु भी कभी जूतियां पहरे? पशु कहते ही भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं मैया गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। अच्छा कहते हैं ना कि माता का दूध पीने के बाद हम किसका दूध पीते हैं, माँ का स्थान दिया गया है। कहते हैं माँ के दूध में जैसे कोई फर्क नहीं आता, गैया के दूध में भी कभी कोई फर्क, वो उतना ही प्रेम करती है अपने मालिक से। उसको नहीं पता कि इसको जब मेरी जरूरत नहीं होगी तो शायद ये मुझे बेच आए या काट दे, लेकिन उसके दूध में उसके प्रेम में कभी कोई फर्क नहीं आता। भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, मैं उसे सिर्फ पशु कहूंगा तो दूसरे कहां से करेंगे। मेरा तो नाम ही है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। मैं यहां पर जितने भी भक्त हैं उनसे कहती हूं, क्योंकि ऐसे तो देखिए इस स्थान पर मैं जब रास्ते से आती हूं तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं। हम शहरों में ही कहते हैं कि पालने की जगह नहीं है, यहाँ तो मानो हर घर में गैया दिखती है। तो हम जितनी सेवा कर सके उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की बहुत लाडली है। भगवान जब तक थे भगवान ने बहुत सेवा की होगी, तो भगवान को प्रसन्न करना है तो उसकी सेवा करो जो भगवान को बहुत पसंद है। तो एक बार तो यहाँ के जितने भक्त हैं उन सभी के लिए तालियां, जो अपने घर में गैयाएं रखते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको अच्छे से खाना देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि उसको सिर्फ पशु मत कहना। यशोदा मैया कहती ठीक है नहीं कहूंगी, और तुझे भी जूतियां पहनने की जरूरत नहीं है, जा ऐसे ही जा। क्योंकि उनके कितनी गाय थी, जो 2,00,000 गाय दान में दे रहे हैं उनके खुद के पास कितनी गाय होगी, इतनी जूतियां बनाना मुमकिन थोड़ी है। यशोदा मैया कहती है तो वो तो मुमकिन नहीं, तू भी बिना जूतियों के जा। भगवान जाते हैं, गैया चराते हैं, शाम को घर वापस लौट रहे हैं। घर लौट रहे, पहला दिन है उनका काम पे, उनको भूख आज बड़ी जोर की लग रही है। इतने दिन तक, इतने समय तक कभी बाहर रहे नहीं घर से, उनको बड़ी भूख लग रही है। तो देखते हैं कुछ गोपियां रास्ते से जा रही थी, वो गोपियां मथुरा जाती थी दूध दही माखन लेकर। तो कभी कभी थोड़ा माखन बच जाता था, पूरा नहीं बिकता था। तो भगवान देखते हैं कि कुछ हांडियां दिख रही है। भगवान कहते हैं अरे गोपी एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है कन्हैया। क्यों?
अरे तुझे कब से माखन खिला रहे, तू तो अभी भी काला की काला ही। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से आ गया। भगवान को आया क्रोध, भगवान ने नीचे कुछ पत्थर पड़े थे उठाए और सारी मटकियां फोड़ दी। अब सब मटकियां सर पर रखी थी तो फूटते ही जो दूध दही माखन था वो सब उन पर गिर गया। गिर गया तो आज गोपियां कहती है कि आज यशोदा को जाकर कहेंगी। बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा किसी की मटकियां नहीं फोड़ता, तो हम पागल तो है नहीं जो अपनी हांडियां खुद ही पर उड़ेल लेंगे, तो आज तो हम सबूत के साथ जा रहे हैं। अब भगवान ने सोचा कि ये सच में ऐसे चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते, और घर पहुंचने से पहले भगवान ने अपनी बंसी बाहर ही रख दी, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मिट्टी में लोटपोट हो गए, मुकुट टेढ़ा कर लिया और घर में रोते रोते घुस रहे। अब विचार करिए, एक तो माता कौन है, यशोदा माता। पहली बार तो बेटा इतने समय तक घर से बाहर रहा और घर में घुस रहा है तो इस हालत में जैसे मानो किसी ने कितना मारा है। वो देखते ही दरवाजा खोलती और सामने भगवान का दृश्य देखकर उनका तो जैसे कलेजा मुख में आ गया। अरे क्या हो गया, किसने मारा, मैंने कहा था नहीं जाने को बाहर। भगवान बहुत रो रहे हैं। भगवान कहते मैया आज गोपियों ने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा उन्होंने, मैं गैया चलाने गया, मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, मुझसे कहती आकर बंसी बजा। भगवान कहते मैंने मना कर दिया, मैं थका हुआ था, उन्होंने मेरी बंसी फेंक दी, इसीलिए भगवान ने बंसी घर से बाहर ही छोड़ दी। भगवान कहते उन्होंने मेरी बंसी फेंक दी, मुझे बहुत मारा। यशोदा मैया को इतना गुस्सा आ रहा है। अब जैसे ही गोपियां घर पर पहुंचती है, गोपियां कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई जो बातें सुनाई, उनको ऐसा लग रहा है कि इसने क्या पट्टी पढ़ा दी। गोपियां यशोदा मैया से कहती है क्या, उत्तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। मतलब ऐसे सीधा बना है और वहां पर कैसी कैसी बातें कर रहा था। गोपियां कहती है ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री।
कहती है, और एक बार नहीं है बार बार ऐसा करता है, कभी मटकी चुराता है, कभी उठाता है, कभी फोड़ता है। गोपियां कहती है, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, खाते हुए औरों को खिलाते देखा, खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, चोरी क्या इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, और मेरे मुंह पर भी, मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरो लाल, यशोदा छल गयो री, कहती है तुम बार बार कहती हो तुम्हारी मटकी तोड़ दी, तुम्हारी ये कर दिया, तुम इसे क्यों नहीं लेकर आती, हमेशा ये पहले आता है तुम बाद में आती हो, इतना सा बालक है इसको पकड़ लो, पकड़ कर लेकर आओ, तब मैं मानूं कि तुमने रंगे हाथों पकड़ा है। गोपियां क्या कहती है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, कसूर रहता है, सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है, सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है, मेरे माखन की, मेरे माखन की मटकी उड़ल गयो री तेरो लाल, यशोदा छल गयो री, मेरे माखन की मटकी उड़ल गयो री तेरो लाल, यशोदा छल गयो री।
यशोदा मैया कहती है, तुम ये सब इल्जाम लगा रही हो, कितनी बार तो मैंने तुम्हें इसे माखन खिलाते हुए देखा है। तुम प्यार से कभी माखन खिलाती हो, बुला बुला कर माखन खिलाती हो। गोपियां कहती है, उसका कारण भी अलग ही है, उसमें भी इसी की गलती है। यशोदा मैया कहती, क्या गलती है? गोपियां कहती है, क्या? हंसकर मांगता है और ये कभी रोता है, हंसकर मांगता है और ये कभी रोता है, हंसकर मांगता है और ये कभी रोता है, हंसकर मांगता है और ये कभी रोता है। अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हड्डी होता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है, ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है। और सबसे प्यारी हरकत क्या है? मेरो आंचल, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री। राधे तो हम जा रहे हैं, पर ये आखिरी बार बता कर जा रहे हैं, अब समझा दो, अभी भी नहीं माना फिर हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। गोपियां कहती है, क्या? इसे समझा दे यशोदा, ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा, ये तेरा बेटा है, मजा लेता है, और पड़ती है उन्हें और मजा लेता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता 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 है। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चूरा कर बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चूरा कर बदल गयो री, ओ मेरो माखन चूरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चूरा कर बदल गयो री, ओ
मेरो माखने चुरा कर बदल गयो री। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर ठाकुर जी गोपियों से पहले ही घर से बाहर निकल कर जाकर खड़े हो गए। उनको लगा जब घर से बाहर आएगी तब कोई तो सामने हो ना स्वागत करने के लिए। यहाँ भगवान ने गलती कर दी। भगवान को खुद पर ज्यादा ही विश्वास हो गया तो भगवान पहले ही घर से बाहर निकल गए। और क्योंकि भगवान पहले घर से बाहर निकल गए तो यहाँ गोपियों ने घर के अंदर ही एक योजना बना ली। जैसे ही गोपियां घर से बाहर गई भगवान खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते कैसी रही? गोपियां कहती है कन्हैया तू बड़ा होशियार है, हम तो हार गए तेरे सामने। लेकिन पता है कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। प्रभावती ताई कौन थी? हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। उन्हीं के नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते, यानी डरते माने बच्चों ने भले ही कोई गलती नहीं की है, अगर एक रास्ते से बच्चे जा रहे हैं और सामने से प्रभावती ताई आ रही है तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे पर उसके सामने नहीं जाएंगे। तो यहां गोपियां कहती है कि कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। भगवान कहते क्या कह रही थी? बोले कह रही थी कन्हैया मेरे घर चोरी करने नहीं आता, तुम लोगों ने छूट दे रखी है उसको ज्यादा, मुझसे तो डरता है। भगवान कहते हैं मैं डरता हूं? भगवान कहते कल दोपहर को प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, उनके घर का माखन खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई। गोपियां कहती है ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया आएगा माखन चुराने, उसने खुद ने कहा है। ताई भी संभल गई। अब भगवान यहां जाते हैं अपने मित्रों के साथ, मधुमंगल मुधमंगल श्रीदामा सबके साथ भगवान जाते हैं। जाकर देखते हैं ताई के घर का दरवाजा खुला है। ठीक है, उनको लगा आस पड़ोस में गई होगी, पहले दरवाजे खुले रहे इतना फर्क नहीं पड़ता था, सब दरवाजे खुले ही रहते थे। तो भगवान घर के अंदर चले गए। माखन के कमरे में जाते हैं तो माखन छीके पर रखा है, छीका यानी टंगा कर रखते लटका कर ऊपर, तो छीके पर रखा है। अब ताई ने जानबूझकर जो सबसे ऊपर वाली मटकी है पहले वही उतारेंगे तो उसमें माखन बहुत नीचे रखा है, उसके लिए यानी हाथ ज्यादा अंदर डालना पड़ेगा, जितना हाथ अंदर जाएगा उतनी देर लगेगी हाथ बाहर निकालने में। तो भगवान कहते कि चलो अपने अपनी जगह पर हो। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुदमंगल, फिर मधुमंगल, सबसे ऊपर भगवान। भगवान मटकी पकड़ते हैं, पीछे से ताई सब कुछ देख रही है पर उनको सही समय चाहिए क्योंकि उनको सिर्फ कन्हैया से मतलब है और किसी को नहीं पकड़ना। तो भगवान मटकी के अंदर हाथ डालते हैं, अच्छे से हाथ अंदर कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि अब इसको हाथ बाहर निकालने में समय लगेगा तब ताई पीछे से सामने आती है। सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान हाथ बाहर निकाले तब तक नीचे से सब गायब। तो भगवान लटके के लटके रह गए। ताई कहती आज पकड़ में आया है। बड़ी इसकी माता कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान कहते ताई पहले मुझे नीचे उतार वरना मैं गिर जाऊंगा, गिर गया तो मर जाऊंगा और मर गया तो रोती रहना। ताई गोद में लेकर नीचे उतारती है, हाथ को कस कर पकड़ती है और लेकर आ रही है यशोदा मैया के घर की तरफ। भगवान कहते ताई मुझे छोड़ दे। ताई देख सब देख रहे हैं, ताई सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है।
ताई कहती है कहेंगे सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंद राय का छोरा चोर है। भगवान कहते अरे ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी, कौन देगा चोर को अपनी बेटी। ताई सोचे बात तो सही है, कौन दे चोर को अपनी बेटी, पर आज नहीं छोड़ सकते, आज बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है वरना ये पकड़ा नहीं जाता कभी। भगवान कहते अच्छा एक काम करो, छोड़ो मत, आपका जो ये जो पल्ला है ना ये मेरे चेहरे पर डाल दो, आपको तो सिर्फ मैया को दिखाना है। बोले हाँ, तो बोले दूसरों को क्यों दिखा रही हो, पल्ला मेरा चेहरा ढक दो अपने पल्ले से। ठीक है, वो अपना पल्ला लेकर भगवान का चेहरा ढक देती है और अब लेकर आ रही है, घर पहुंचती है, जोर से आवाज लगाती है, अरे यशोदा देख मैंने तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है, बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरे घर चोरी कर रहा था। यशोदा मैया बाहर आती है, अरे ताई क्या कह रही हो, मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। ताई को लगा कि घर पर बोल के गया होगा कमरे में कि सोने जा रहा हूं और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई कहती है तो बुलाओ, कहां सो रहा है बुलाओ उसे। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। थोड़ी देर बाद सामने कमरे से निकलकर भगवान आ रहे हैं, आंखें मसलते हुए जैसे कितनी गहरी नींद से उठा दिया। भगवान कहते हाँ मैया। यशोदा मैया कहती देख लिया सो रहा था ना, जबरदस्ती उसकी नींद खराब कर दी। अब यशोदा मैया भगवान को लेकर चली गई कमरे में। प्रभावती ताई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे, इसीलिए नहीं कि कन्हैया सामने है, अब उसको लग रहा है अगर कन्हैया सामने है तो पल्ले के अंदर कौन है। अब वो बहुत डर कर वो पल्ला थोड़ा सा उठाती है, उन्होंने जो दृश्य देखा वो देखते ही बेहोश हो गई। पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी, और भगवान ने इतने सही तरीके से सब कुछ योजना बनाई है कि उनके दाढ़ी मूछ पर माखन भी लगा दिया कि सबको लगे चोरी यही कर रहे थे। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। फिर एक छोटी सी लीला आती है, भगवान एक दिन गैया चराकर घर लौट रहे थे। तो कुछ गोपियां मिलती है, तो भगवान ने गोपियों से कहा कि अरे गोपी एक दो हांडी हमें भी दे दे, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। गोपियां कहती नहीं कन्हैया, हमें ये माखन बचा कर रखना है, हमें फिर काम में लगता है, हमें मथुरा जाना पड़ता है, दूध दही माखन बेचना पड़ता है, सब तुझे दे देंगे तो हम क्या करेंगे। भगवान कहते मैंने एक हांडी मांगी थी, अब चुपचाप एक हांडी दे दो वरना सारे ग्वाल वालों को बुला लूंगा और सारी हांडियां ले लूंगा। बाकी गोपियां तो निकलने की कोशिश करके भाग जाती, एक गोपी रह जाती है, भगवान उसके पीछे लग जाते। भगवान कहते एक हांडी तो मुझे देनी ही पड़ेगी। गोपी कहती है भगवान से क्या, एक लीने घेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे शाम तने कैसी ठानी रे, आ कैसी ठानी रे शाम तने कैसी ठानी रे, एक लीने घेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे, एक लीने घेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे शाम तने कैसी ठानी रे, आ
कहती है श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, लौट करे बरसाने आनो, लौट करे बरसाने आनो, मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरे की माला, जो टोल टैक्स देते हैं ना भगवान, कहते इस रास्ते से जाना है तो दान देना पड़ेगा। गोपियां कहती हमने आज तक तो कोई दान नहीं दिया, दान हम कबहू नहीं दीनो, 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 रोक मेरो मारग क्यों लीनो, बहुत सो उधम तैन कीनो, बहुत सो उधम तैन कीनो, और आज तलक या ब्रज में को भयो न दानी रे, आज तलक या ब्रज में को भयो न दानी रे, एक लिन घेरी वन में आज शाम तन रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में उनको भगवान मिल जाए। कौन कौन चाहता है हाथ उठाना? तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तालियां बजानी पड़ेगी एक साथ। डराते हैं गोपियां, कहती हम तो मथुरा भी जाते हैं, इस बार जब मथुरा जाएंगे तो कंस राजा से शिकायत करेंगे, उनको बोलेंगे तुमको बंदी बना के बहुत मारने। गोपियां कहती हैं कंस राजा से करूं पुकार, कंस राजा से करूं पुकार,
राजा से करूं पुकार, कंस राजा से करूं पुकार, तोहे बंधवाए दिलाऊं मार, तोहे बंधवाए दिलाऊं मार, ठाकरी देऊं सभी निकराए। छह भाइयों का वध याद आ गया, भगवान को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कहते हैं, कंस क्या पाप लगे तेरो, कंस का पाप लगे तेरो, कंस क्या पाप लगे तेरो, कंस का पाप लगे तेरो, और वो क्या ही करे मेरो, और वो क्या ही करे मेरो, बहुत दिन छोटी छोटी लीलाएं हैं। एक लीला आती है, भगवान गैया चराने जाते हैं, दोपहर का समय, सब बैठते हैं, भोजन कर रहे हैं, तो श्री दामा काफी गरीब थे, तो वो जल्दी से खाने को कुछ लाते नहीं थे, वो केवल छाछ लाते थे। भगवान कहते हैं, श्री दामा बड़ा होशियार है, हम जो भी भोजन लाते सब खा लेता है, पर अपना छाछ कभी देता नहीं हमें खाने के लिए, पीने के लिए। अब वो श्री दामा क्यों नहीं देता, श्री दामा सोचे कि कन्हैया इतना धनवान है, नित नए नए पकवान यशोदा मैया उसके लिए भेजती है, छाछ जैसी साधारण चीज का स्वाद लेने दूं मैं उसको, तो वो कभी भी नहीं देती थी। भगवान कहते, आज तो मैं लेकर रहूंगा। भगवान ने ऐसा कहा तो डर के मारे श्री दामा ने अपनी छाछ जल्दी जल्दी पी ली।
और जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी छाछ यहाँ गिर गई। भगवान उसको अपने मुख से चाटते हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते, ग्वालों की जूठन खा रहे हैं। तो भोजन करने के बाद सब सो गए, तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और जितने भी ग्वाल बाल थे उन सब को ब्रह्मलोक लेकर आ जाते हैं। भगवान नींद से उठते हैं तो उनके आसपास सब गायब। भगवान से क्या छिपा है? भगवान ने अपने ही अंश से उतने ही ग्वाल बाल फिर से प्रकट किए। अब कुछ समय बाद ब्रह्मा जी फिर तो भूल गए, वो ब्रह्मा जी फिर आते हैं कि देखूं क्या हाल चाल है। जाकर देखते तो सब कुछ वैसा का वैसा। ब्रह्मा जी समझ गए। क्यों समझ गए? क्योंकि रचना का कार्य सिर्फ दो ही जनों को दिया गया है, या तो ब्रह्मा जी या विष्णु भगवान। जब ब्रह्मा जी ने किया नहीं तो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। वो माफी मांगते हैं। भगवान कहते हैं, मैं हर पाप के लिए क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दे मैं क्षमा नहीं करता। तब ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक स्तुति करी, जिसे सुनकर वो प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी को माफ करते हैं। यहाँ पर एक और छोटी सी कथा आती है। अधासुर नामक दैत्य आता है। भगवान सब बच्चों के साथ खेल रहे थे तो वो बीच रास्ते में अपना मुख अजगर का रूप लेकर आता है, अपना मुख खोल कर बैठ जाता है। तो दूर से कोई आए तो उसको दिखने में लगे कि कोई गुफा है। तो बच्चे खेलते 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 गुफा के अंदर चले गए, भगवान भी गए हैं। अब अंदर अंधेरा है, भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया, अपना आकार बढ़ाते हैं। बढ़ते बढ़ते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए निकल जाते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों को कुछ पता ही नहीं चला, वो खेलते खेलते फिर बाहर आ गए। इस कथा से सीख मिलती है कि अधासुर यानी संसार। संसार में भगवान को लेकर जाओगे तो सुरक्षित वापस आ जाओगे, और अगर भगवान को बाहर छोड़कर जाओगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर आना मुमकिन। तो संसार में जी भर के रहो, काम करो, जो करना है करो, धन कमाओ, लेकिन भगवान को साथ में रख कर, ये आपकी शक्ति है। तो इस प्रकार भगवान अधासुर नामक दैत्य का वध करते हैं। अब चलते हैं उस कथा की ओर, आज का विशेष आकर्षण। भगवान यहां पर देख रहे हैं कि नंद बाबा, यशोदा मैया सब किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने आकर पूछा कि बाबा आप किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा कहते, कन्हैया हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहते हैं, वर्षा करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये इंद्र भगवान कब से है गयो? अरे नंद बाबा कहते, कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने? कन्हैया कहते, बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। अरे नंद बाबा कहते, कैसी बातें करता है? कन्हैया कहते, अरे इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का, उसकी पूजा करो नहीं करो उसको वर्षा करनी पड़ेगी, उसको ऐसा काम सौंपा गया है। पूजा तो उसकी करो जिसका कोई काम नहीं फिर भी वो सहायता करता है। कहते ना, आप अपना काम कर रहे हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, काम से हटकर कुछ करे तो अच्छी बात होती है। तो भगवान कहते, तो किसकी पूजा करें? भगवान कहते, गोवर्धन पर्वत की करो, उसको कौन मनाता है फिर भी वो कितनी सहायता करता है, कितने घर हैं उसके ऊपर, उस पर जो पेड़ पौधे लगे हैं उसमें औषधियां बनती है, बड़े बड़े पहाड़ हमको तूफानों से बचाते हैं। भगवान कहते, उसकी पूजा करो। नंद बाबा कहते हैं, इंद्र नाराज हो गए तो? भगवान कहते, मैं देख लूंगा, कितना भरोसा है एक छोटे से बच्चे पर। नंद बाबा कहते, ठीक है, गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारियां हो रही है। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा, जाकर इतना बरसो, इतना बरसो, इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए, भयानक वर्षा होती है। वो वर्षा देखकर ब्रजवासी, अब नंद बाबा राजा है तभी तो नंद गांव कहा जाता है,
उनके नाम से जाना जाता है। वो नंद बाबा के पास जाते हैं, बाबा बाबा रक्षा करो। बाबा कन्हैया से कहते हैं, मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहते हैं, मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अब देखिए, भगवान बताना नहीं चाहते कि सब कुछ भगवान ने किया है। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? भगवान ने। लेकिन भगवान कहते हैं, अपने मित्रों से अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आओ, हम सब मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। अब क्या लकड़ियों से पहाड़ उठते हैं? लेकिन भगवान दिखाना नहीं चाह रहे कि मैंने अकेले ने किया, नहीं। भगवान कहते हम सब ने मिलकर किया। वो भी बच्चे सब लकड़ियां लेकर आते हैं और भगवान अपनी चिटकी उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली है, उस पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। बोले कि राज धारणे की। आइए हम भी दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थरे माथे मुकुट विराज रहो। Yeah, ho!
कोस की परिक्रमा छप्पन भोग क्यों लगाया जाता है पता है? यशोदा मैया ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। कितनी बार? 8 बार। अब भगवान ने कितने दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाया? 7 दिन। तो 7 दिन कुछ नहीं खाया। तो 8वें दिन जब भगवान गोवर्धन पर्वत नीचे उतार कर घर आते हैं, तो अगर एक दिन में 8 बार भोजन करवाती है तो 7 दिन में कितने हुए? 56। तो यशोदा मैया उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है। तब से भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आइए सभी दर्शन करें, पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगो सर्वत्स्वा तत्स्तुद्धसाङ्गुलं पुरुष एवेदगो सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यं उतामितत्शेषानो यदम्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाञ्च पुरुषः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्य रतन देवे त्रिपादोर्धवोदय पुरुषः पादोशीः भवत् पुनः ततो विक्रम पक्षसनानिशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतरिष्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् ज्ञात सर्वहु समृतम वृखदाज्यम पशुस्ता सग्रे वायव्या
कन्या व्याम्यासय तस्मा दस्वा अजायंत ये के शोभया दतः गावो हजगिरे तस्मा दस्वा जाता अजावयः तम यज्ञम बरहिकि प्रोक्षन पुरुकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रिखयचये यत पुरुकं बदको कतिदा वकल्पयन्ना मुखं किं स्यासित किं बाहु किं रु पादा उचेते ब्राह्मणो समुखमासित बाहु राजन्यः कृतः ऊरु सर्वैश्यः पद्मांगुं सूत्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चछो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राजाहुस्य प्राण मुखादग्रि जायत नाभ्याय आसीदन्तरिचगुं सीष्णौ द्यौः समवृद्धत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नः बोले गिरिराज धरणि की आइए इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है कृष्ण रुक्मणी विवाह। कल ठाकुर जी का विवाह है, सभी खूब सज धज कर आए और ठाकुर जी के विवाह में शामिल हो और अभी सभी आरती कर कर जाए। जिन भक्तों ने सेवाएं दी हैं उनके नाम मैं घोषित करने जा रहा हूं और साथ में अनुरोध है कि कृपा मंच पर पधारें। श्रीमान यदुवंशी दीनानाथ खोखसा से दवाई सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान नरेश सिंह बरहिया मराची से दवाई सहयोग। श्रीमान राजेंद्र राय आपकी ओर से भी दवाई सहयोग देसरी से पधारे हैं। इंदु देवी देसरी से पधारे हैं दवाई सहयोग। अजय कुमार साहू अर्चना कुमारी डुमरी बेगूसराय से दवाई सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आदरणीय वेदनाथ शर्मा केवल निजायत से दवाई सहयोग आप भी प्रदान कर रहे हैं। ये हैं वेदांतदाता जिन्होंने सहयोग दिया है। कृपया तालियां आप इनके लिए बजाएं। और दो दिन शेष रहे हैं, आप सभी संकल्प करके सहयोग करें। संकल्प लें किसी भी एक दिव्यांग का आप सहारा बनेंगे और उसके होठों पर आप मुस्कान सजाने का कार्य करेंगे। तो दो दिन केवल रहे हैं, जो भी सहयोग देना है आप काउंटर पर जमा करवा सकते हैं। आइए आरती के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान आज के हमारे दैनिक यजमान श्रीमान राजेश सिंह जी और श्रीमान वेदनाथ सिंह जी। कृपा करके मंच पर पधारें और सनातन धर्म संगठन के पदाधिकारीगण भी आरती के लिए मंच पर पधारें। बाकी सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती में भाग लेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की पवित्र आरती में प्रवेश करें। ॐ कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम
मंगल की आरती पापियों को पाप की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने थार कपूर लो जाए आरती करने अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ वर में पद पावे जब विध्वंस की रघुराए तुलसीदास स्वामी की रति गाए आरती विजय हनुमान ललाके दुष्ट दलन रघुनाथ कलाके लाल देह लाली लसे अर अर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कविशु देहो शांति रंदर जगम शांति पृथ्वी शांति राभ शांति रोग दया शांति ही वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि संदेह नाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा सेवंति का बगुल चंबक बादलाज पुन्ना गजात गर्वि रसाल पुष्पे इल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी पांबूज यामि जगदी स्वर में प्रसिद नाना सुगंध पुष्पाणी रागालो भवानी ज पुष्पांजलि दंतम गृहाणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः बोले कृष्ण की जय